अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही अमेजिंग सा ट्यूटोरियल। जी हाँ, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस डमी पर मेकअप। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा डिफरेंट सा लुक किया जाए। आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो मेकअप की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो अगर आप भी मेकअप सीख रहे हैं और अपने फेस पर, या कोई आपके पास नहीं है जिसके फेस पर आप ट्राई कर सके, प्रैक्टिस कर सके, तो ये डमी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो है ना डमी पर भी इंशाल्लाह मैं आपको मेकअप सिखाया करूँगी। इससे यह है कि आपका जो हैंड है ना वो बहुत अच्छे से जो है ना वो सेट हो जाएगा। मेकअप को किस तरह से जो है ना आपको करना है, किस तरह से आपको कलर्स को ब्लेंड करना है, किस तरह से आपको कलर्स को मिक्स एंड मैच करना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो जो भी आप ट्यूटोरियल देखती हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप जो है ना वो इस डमी पर जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। मोस्टली लोग जो है हैंड पर भी डमी बनाकर तो उसकी प्रैक्टिस करते होते हैं। तो बाकी जो आपके पास अवेलेबल है वो आप बना सकते हो। हैंड पर भी आप डमी बना इस तरह से आईज क्रिएट करके तो आप बना सकते हो। लेकिन अगर आप ये डमी ले लो तो आपके लिए काफ़ी ईजी, अब तो ये मार्केट से काफ़ी सस्ते में मिल जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने कंसीलर लिया है, ये मैंने ब्यूटी काला सीक्रेट पैलेट लिया है ब्यूटी ग्लेज का। और सबसे पहले हम कंसीलर को अपनी आंख पर जो है ना इस तरह से लगा लेंगे। ठीक है, दरअसल आंख पर बेस का लगना ज़रूरी है, फिर ही हमारे कलर्स ब्लेंड होंगे। वरना ये जो डमी है ना ये बिल्कुल हमारी जैसे हमारी स्किन होती है ना, पोर्स वगैरह इस तरह से है। तो इसमें यह है कि अगर तो हमारी मतलब स्किन में अच्छे से स्मूथ एक इफेक्ट आएगा, फिर ही हम अपनी जो फाउंडेशन है उसको मतलब ब्लेंड करेंगे, तो ही हमारा जो आई शेडो है वो फिर बड़े अच्छे से जो है वो ब्लेंड होगा। इसलिए सबसे पहले आपको कंसीलर या फाउंडेशन लगा लेनी है, क्योंकि ये डमी है इस वजह से मैं इस पे सिर्फ जो है ना वो फाउंडेशन लगा रही हूँ, जो कि इनाफ है। और ये कंसीलर पैलेट है, कंसीलर या फाउंडेशन ये इसमें जो है ना आप इस पैलेट में से जो कंसीलर है ना उसी को आप एज अ फाउंडेशन भी लगा सकते हो। ये मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखी तो आप काइंडली वो वीडियो देख लेना। मैंने आपको बताया कि इस तरह से आप इसी पैलेट के साथ अपनी लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन भी बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिया है जी ब्राउन शेड, और उस ब्राउन शेड को जो है वो मैं बड़े अच्छे से अपनी आउटर वी में ब्लेंड कर रही हूँ लाइक दिस। ठीक है, आपको भी इसी तरह से अपने शेड को ब्लेंड कर लेना है। हमने एक आउटर वी में ना इस तरह से बना लेना है पहले तो, ठीक है, ताकि एक बड़ा अच्छा सा जो है ना इफेक्ट क्रिएट हो जाए, एक अच्छा सा जो है वो हमारी आँख पर कलर आ जाए। अच्छा, मोस्टली मैं क्योंकि आईज़ पे मेकअप करती हूँ तो डमी पे मेकअप करना जो है मुख्तलिफ तो नहीं है, लेकिन वही है सारा, लेकिन यह है कि थोड़ा सा डिफरेंट है आपका ना, क्योंकि यहाँ पर भी कलर ब्लेंड करना उसी तरह से है, लेकिन यह है कि क्योंकि ये इंसानी जो है ना स्किन नहीं है, क्योंकि हमारी जो स्किन होती है वो हीट थोड़ी सी उसकी में होती है ना, तो जिसकी वजह से वो हमारे कलर जो है ना वो हमारी स्किन में अब्जॉर्व हो जाते हैं और जल्दी से सेट बैठ जाते हैं। ये क्योंकि डमी लाइक है इस वजह से इस पे स्किन इस पे थोड़ा सा कलर जो है ना वो ऐसे ही आपको मतलब डार्क लाइट ऐसे लगते रहते हैं। खैर जी, हमने ब्राउन शेड लिया, डार्क ब्राउन शेड, और इसको भी ब्लेंड कर लिया। लेकिन यह है कि ये डमी जो है ना प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यू नो कि प्रैक्टिस मेड परफेक्ट, आपने ये बात सुनी ही होगी। जी हाँ, और ये इसी तरह से अगर आप बिगिनर हैं ना और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं डेली डेली, आप के पास कोई नहीं होता जिसपे आप जिसकी आंखों पे आप जो है ना वो आई मेकअप कर सके सीख सके, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो अब इसको मैंने कलर को लगा लिया था ब्राउन को, उसके ऊपर मैं जो ब्लू कलर है डार्क ब्लू उसको ब्लेंड कर रही हूँ। अब हम दोनों को ब्लेंड करने के बाद जो है ना फिर इसको थोड़ा सा हम कट क्रीज कर लेंगे। अब मैंने एक ब्रश लिया है एंगल ब्रश, और इसकी मदद से जैसे मैंने दूसरी आँख पर किया इसी तरह से मैं यहाँ पर भी थोड़ी सी क्रीज को कट कर लूँगी। अच्छा, आप देखिएगा कि मैंने कलर्स को किस तरह से डिफ्यूज़ किया है अपनी आँख के ऊपर। ठीक है, तो अब पहले तो इस तरह से हमने ना इसी कंसीलर पैलेट में से कलर लिया है मैंने लाइट, और उसके साथ मैं इस तरह से कंसीलर लगा रही हूँ और इसको ब्लेंड कर रही हूँ अपनी आँख पर। और जो क्रीज लाइन है उसको भी हम अच्छे से डिफाइन कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो इसके बाद जो है ना हम पिगमेंट लगाएंगे, जो बहुत ही खूबसूरत सा पिगमेंट है, आप देख ही सकते हो, पर्पलिश और पिंक एंड पर्पल दो तरह के उसमें से ना वो जो शेड्स आ रहे हैं, ये मल्टी क्रोम आई शेडो आई शेड है जो कि अपेरा कॉस्मेटिक्स का है। बहुत ही ज़बरदस्त है भाई ये वाला शेड, और मुझे ये पीआर पैकेज में आया था, तो मैंने लेकिन अभी तक इसको ट्राई नहीं किया था, तो मैंने सोचा आज इसको ट्राई करके देखती हूँ कि किस तरह से इसका जो क्या इफेक्ट आता है। तो खैर जी, मैं अब कलर को साथ साथ ब्लेंड भी कर रही हूँ, साथ साथ आपसे बातें भी कर रही हूँ, साथ साथ आपको बता रही भी रही हूँ कि किस तरह से आप लगाओगे। आपको जब आई मेकअप भी करना है इसी तरह से सबसे पहले आपको अपनी आँख पर बेस बनानी होती है, ठीक है। ये आपने चीज़ें बहुत
अच्छे से याद कर लेनी है। अगर आप इस डमी पे डेली प्रैक्टिस करोगे ना, तो मैं कहती हूँ कि आपको एक हफ्ते में या 15 दिन में आपका जो हाथ है ना, वो बहुत अच्छे से सेट बैठ जाएगा आई मेकअप पर, और आपको आई मेकअप करना, ब्लेंडिंग करना कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। तो बस यह है कि आप जो भी ट्यूटोरियल देखते हो, आपको आई मेकअप पसंद है तो ट्यूटोरियल देख के उसकी प्रैक्टिस करते रहो डमी पर, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा एक प्रोफेशनल वे में काम करना। तो इस तरह से मैं जो है ना बैक एंड फोर स्ट्रोक्स के साथ जो है ना वो अपना कलर ब्लेंड कर रही हूँ, और थोड़ा सा डार्कर भी कर रही हूँ, ताकि मैंने आपको ये दिखाना था कि हम इस डार्कर कलर को किस तरह से जो है वो लाइट करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से, इस बात को समझाने के लिए मैंने यहाँ भी कलर डार्क कर दिया है, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, बता सकूँ कि इन इतने डार्क कलर को हम कैसे जो है वो ब्लेंड करेंगे। अब ये ओपेरा कॉस्मेटिक्स का आई शेड है, और ग्लिटर है, मल्टी क्रोम है, और बहुत ही इसका अच्छा इफेक्ट है। मैं इसको इंशाल्लाह आँख पर भी लगा के ना आपको रियल आई पर भी इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो शेयर करूँगी आपके साथ लुक। और पहले तो मैं डमी पर तो क्रिएट करूँ ना, तो मैंने यहाँ पर डमी पर जो है ना इस तरह से ब्रश की मदद से लगाई, लेकिन मैं मुझे लग रहा था कि हैंड की मदद से जो है ना, मैंने जैसे बताया ना कि इंसानी जो होते हैं ना अज़ा होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से मतलब उन पर कलर आता है, और फिंगर की मदद से आँख पर बहुत अच्छे से कलर जो है ना वो एडजस्ट होता है, क्योंकि हमारी हमारी बॉडी में हीट अप हो जाता है हमारा हमारा जिस्म, तो जिसकी वजह से हमारे जो कलर वगैरह है ना वो बड़े अच्छे से स्किन में जो है बैठ जाता है, ब्लेंड हो जाता है। खैर जी, मैंने यहाँ पर पर्पल शेड इस तरह से लगा दिया है, मैंने सोचा इनर कॉर्नर पे भी लगा दूँ। और डमी पर ना मेकअप करने का मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, आज मैंने काफ़ी अरसे बाद इस डमी को जो है ना वो निकाला है आज मेकअप करने के लिए। मैंने ये तकरीबन 2-3 साल से बाय की हुई है, और मेरा ख्याल है एक आधा ही ट्यूटोरियल होगा जो मैंने पोस्ट किया था डमी पर ना, तो लेकिन ये कि उसके बाद बस मुझे मौका ही नहीं मिला। आई मेकअप मैं खुद ही कर लेती हूँ आईज़ पर अपनी, तो इस वजह से डमी को यूज़ करने का मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन आज मुझे जब डमी नज़र आई तो मैंने सोचा इसको यूज़ किया जाए, इस पर कलर लगाया जाए, इस पर ना मेकअप किया जाए। अच्छा, सबसे पहले मैंने पर्पल थोड़े से ना ग्लिटर लगाए थे, उसके ऊपर जो है ना ये गोल्डन ग्लिटर लगा रही हूँ, और ये जो पैलेट है ये यू कैन मी मेकअप का पैलेट है जी, एग्जॉटिक फ्लेवर, और इसमें बहुत ज़्यादा शेड्स हैं यू कैन सी, और मुझे तो ये पैलेट बहुत पसंद है, मुझे इनके पैलेट्स जो है ना पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि इनमें बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं है। अभी मैंने देखो ब्लैक कलर या कोई भी डार्क कलर लगाया तो ज़रा सा भी फॉल आउट नहीं था। अब मैंने बिल्कुल लाइट सा पिंक शेड लिया, बहुत लाइट सा शेड है। अब मैंने बताया था ना कि मैं इस डार्क कलर को किस तरह से डिफ्यूज़ करूँगी, लाइट करूँगी, ये दिखाने के लिए ना मैं ये काम कर रही हूँ। बिल्कुल हल्का लाइट सा पिंक है, बेबी पिंक जिसको कहते हैं, शायद उससे भी लाइट शेड हो, उस शेड को लेके तो मैं ये जो ऊपर कलर लगाया था इसको मैं ना ब्लेंड कर रही हूँ, उसको डिफ्यूज़ कर रही हूँ, उसकी हार्श लाइन्स को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर देना है, ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे। तो बस दोनों आंखों में इसी तरह से हमने ब्लेंड कर लेना है जी जनाब। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है ना, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लिया करें, और सब्सक्राइब भी कर लें अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, क्योंकि आने वाले बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल्स जो हैं और रिव्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून। इसके अलावा मैं लाइव भी इंशाल्लाह ताला किया करूँगी, ताकि आपको लाइव में भी, लाइव क्लास में भी मैं आपको सिखा सकूँ, ठीक है। तो इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने कोशिश किया करें, कि वीडियो को शेयर भी किया करें। आप यहाँ पर जो है ना हमारा ये जो कलर्स वगैरह दोनों आंखों पे मैंने ब्लेंड कर लिए हैं, और क्योंकि मैं भी डमी पे मेकअप काफ़ी अरसे बाद कर रही हूँ, इंशाल्लाह डेली बेसिस पे जब मैं भी आपके साथ प्रैक्टिस करूँगी इस पे तो ऑब्वियसली और अच्छे से लगा दूँगी, और उसको फिर मैं कंसीलर की हेल्प से जो है ना वो अच्छे से जो है ना सेट कर लूँगी। ये बताने का और लगाने का मतलब था कि आपको ये समझाना कि किस तरह से आपने, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है मेकअप में तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन होता है, ये नहीं है कि मेकअप जो है ना आपका ख़राब हो गया, ये परेशान नहीं होना। अब जो है यही वाला जो मल्टी क्रोम वाला हमारे पास जो है ना ये जो शेड है जो कि ग्लिटरी टाइप है, शिमर है, ये मैं अपनी ब्रो लाइन पे भी लगा रही हूँ। अच्छा, मैं आज गोल्डन और वाइट नहीं लगा रही, मैं दिल कर रहा था कि मैं ना यही वाला शेड लगा लूँ, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा सा शेड है, और डमी पर तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, सही है, तो मैंने इस वजह से इस पर भी यही लगा लिया है। और ये हाइलाइटर के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हो, इतना प्यारा लगता है ना, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल्स है ना उसमें ये ज़रूर यूज़ करके आपको दिखाऊंगी कि ये वाला हाइलाइटर जो है वो कितना अच्छे से जो है ना हमारी स्किन पे दिखता है। सो जनाब, तो यहाँ पर
मैं फिर से कलर डिफ्यूज़ कर रही हूँ, मुझे लग रहा था थोड़े से डार्कर हैं, तो मैं बिल्कुल बेबी पिंक जो कलर है उसके साथ मैंने इनको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ कलर्स को, और ताकि वो इक्वल हो जाएं। अब मैं क्या करूँगी कि अब मैं जो है लाइनर, बिल्कुल थिन सा लाइनर लगाऊंगी, इतना ज़्यादा हमें ना मोटा लाइनर नहीं लगाना, क्योंकि हमारी लुक भी नज़र आनी चाहिए, हमने थोड़ी सी लाइट एंड डार्क लुक रखी है, तो इस वजह से हम बिल्कुल थिन सा लाइनर लगा रही हूँ। लेकिन उसके बाद मैं विंग लाइनर भी बनाऊंगी। मैं जब भी लाइनर लगाती हूँ ना, तो विंग जो है ना वो खुद ही मैं बन जाता है, मैं ना भी चाहूँ तो विंग बन मेरे से जो है ना वो अज खुद जो है ना क्रिएट हो जाता है। एक आँख पे लगा लिया, अब मैं लगाऊंगी दूसरी आँख पर, तो इसको भी जो है ना बिल्कुल लैश लाइन के साथ साथ लगाना है, और इसको इसके बाद हमने इस पर फेक आई लैशेज भी पेस्ट करनी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको आई लैशेज लगाने का भी जो है ना तरीका बता दूंगी, तो आपने परेशान नहीं होना। एक मेरी जो सब्सक्राइबर है मुझसे पूछ रही थी कि किस तरह से आई लैशेज लगानी है, तो मैं इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी अभी इसी वीडियो में, ठीक है। तो इंशाल्लाह आगे जो है फाउंडेशन, लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन का फॉर्मूला भी मैंने अभी आपको बताना है। मैं सोच रही हूँ कि डमी पर भी आपको सिखा सकती हूँ मैं फाउंडेशन किस तरह से आपने सुपर जो है ना नेचुरल और ग्लोई, और किस तरह से आपने उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, वो डमी पर भी सिखाऊंगी और फेस पे भी सिखाऊंगी इंशाल्लाह। ओके जी, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर विंग जो है ना वो निकाल रही हूँ। अब इनर कॉर्नर कैसे बनाना है ये भी आप देख सकते हो। अपनी आँख के सेंटर से एक लाइन लगानी होती है हमने, और इसके बाद इस लाइन को जो है हमने इस तरह से थोड़ा सा आगे को कर देना होता है, तो हमारा बहुत अच्छे से जो है वो इनर कॉर्नर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और ये बहुत इजी होता है, तो बस ये है कि थोड़ी सी महारत और थोड़ी सी प्रैक्टिस से जो है ना वो हमें ये चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो अब यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी, अभी तक तो मैंने थिन सा लाइनर लगाया है। इसके बाद अब मैं लगाऊंगी आई लैशेज। तो आई लैशेज जो है ये मैंने मार्केट से बाई की थी, इनमें से जो स्मॉल वाला है ना आर्टिकल वो लगाऊंगी। अब सबसे पहले जब भी आपने लगाने आँख में रख के देख लेना, मैं यहाँ पर स्वीट टच का ग्लू ले रही हूँ। स्वीट टच के ग्लू से ये होता है कि आई लैश आपकी बड़ी अच्छे से पेस्ट हो जाती है। तो अब मैं जो है स्वीट टच के ग्लू के साथ लगाऊंगी ये वाला आर्टिकल लगाऊंगी। ये बिल्कुल नेचुरल सा है और बहुत ज़्यादा हैवी नहीं ले रही अभी मैं इस आज ना आई लैशेज। तो इस तरह से पहले ना आँख पे रख के देख लेते होते हैं कि आपकी आई लैश जो है आपके आँख के मुताबिक है या नहीं। अगर आपकी आँख बड़ी है तो, और आई लैश छोटी है, तो आपको बड़ी आई लैश लेनी चाहिए थोड़ी सी, मतलब आँख के मुताबिक, आँख से बड़ी नहीं बल्कि आँख के मतलब उसके साइज़ के मुताबिक। और अगर आपकी आई लिड जो है वो मतलब छोटी है तो, और आपकी आई लैश का साइज़ बड़ा है, तो हमेशा आपको क्या करना होता है कि आपको आई लैश को पीछे से ना स्टार से नहीं कट करना, उसको एंड से कट करना होता है, ठीक है। तो ये भी एक टिप है। अब मेरी ग्लू तो यहाँ पर तकरीबन ख़त्म होने वाली है, मैंने साइड पे कर ली ताकि वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा निकल जाती है। तो इस तरह से बैंड पर जो है ना आपने सिर्फ बैंड पर ग्लू लगानी है, और ग्लू लगाने के बाद ना 25 सेकेंड के लिए वेट ज़रूर करना है, क्योंकि अगर हम वेट नहीं ना करेंगे तो एक्चुअली जब हम 20 या 25 सेकेंड के लिए जब वेट करते हैं ना ग्लू लगाने के बाद, तो हमारी आई लैश जो है ना वो स्टिकी हो जाती है, ईजिली स्टिक हो जाती है फटाफट। अगर हम इसको मतलब इसको ड्राई नहीं करते और ऐसे ही लगाना चाहते हैं ना, फिर वो स्टिकी नहीं होती, वो जल्दी वो ना इधर उधर हो जाती है और सही तरह से पेस्ट भी नहीं होती। इसलिए इसको थोड़ा सा स्टिकी कर लें, उसको ग्लू लगाने के बाद 20 सेकेंड के लिए वेट थोड़ा कर लें, उसके बाद जब आप अप्लाई करेंगे तो आई लैश आपकी बड़े आराम से आपकी आँख पर बैठ जाएगी, ठीक है। ये देखें आई लैश लग चुकी है यहाँ पर। इसी तरह से अब मैं दूसरी आंख पर भी लगाऊंगी। अब से जो है ना आपको दोनों आंखों का मेकअप मिला करेगा इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूंगी डमी पर जो है ना आपको जो सारा मेकअप लुक्स वगैरह है ना वो शेयर किया करूं, डमी पर भी शेयर किया करूं, और दूसरा आई मेकअप खुद भी सिखाया करूंगी इंशाल्लाह। लाइव में भी कोशिश करूंगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो ट्यूटोरियल दूँ, क्योंकि आजकल वेडिंग सीज़न है। इंस्टाग्राम पर मुझे बहुत सारी गर्ल्स कह रही थी, कुछ कह रही थी बिल्कुल गोल्डन लुक सिखा दें, कोई कह रही थी कि जिंक लुक सिखा दें, कोई ब्राइडल लुक कह रही थी इंशाल्लाह। वो भी मैं बहुत जल्द जो है ना यूट्यूब पर भी साथ में ही जो है ना वो शेयर करूंगी आपके साथ लाइव में या फिर इसी तरह से वीडियो में। तो अब इस तरह से मैंने इस आई लैश को भी पकड़ लिया है, वेट करने के बाद जो है मैंने इसको इस तरह से आंख पर रख दिया है। अगर बिलफर्ज इनर कॉर्नर से मोस्टली होता है कि लड़कियों की आई लैश जो है ना वो पेस्ट नहीं होती, तो आपने क्या करना है कि आपने ब्रश की टिप लेनी है इस तरह से, और उसको प्रेस करके सेट कर लेना है, तो वो जल्दी से सेट हो जाती है, ठीक है। ये टेक्निक होती है जो हमने यूज़ करनी होती है आई लैश को सेट करने के लिए। तो जनाब यहाँ पर हमारी आई लैशेज तो हो गई हैं पेस्ट, अब हम क्या करेंगे, अब जो है यहाँ पर जो मैंने अपना आईब्रो थोड़ा सा ख़राब किया था उसको सही कर लेते हैं। तो उसको
छोटे छोटे स्ट्रोक्स के साथ, क्योंकि ये एंगल ब्रश है, इसके साथ थोड़ा थोड़ा हम ना आउटलाइन की तरह एक अलाइनमेंट कर लेंगे अपनी आँख की, जो आईब्रोज की ना, तो इस तरह से बस सीधा पतला कर लें इसको, तो सही हो जाएगा आपका आईब्रो और बड़े अच्छे से जो है ना वो नीट हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मैं ना आपको, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको इसी डमी पर आईब्रोज भी बनाना सिखाऊंगी। आज तो मैंने भी अपने आईलैशेस इससे बड़े बुशी से बनाए हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट डे ज़रूर सिखाऊंगी। आप जो है थोड़ी सी कंटूरिंग कर लेते हैं, कंटूरिंग के लिए मैंने वो ब्राउन सा शेड लिया है, लाइट सा ब्राउन है, और इस तरह से नोज़ के इर्द गिर्द कंटूरिंग कर लेंगे। अच्छा, कंटूरिंग करके भी इसकी लुक बड़ी इन्हेंस लग रही थी डमी की, क्योंकि डमी है और इस पर कलर जो है इसके फीचर्स वगैरह को इन्हेंस करेंगे, जैसे हम इंसानों के करते हैं, अपना नाक है बड़ा है तो छोटा कर लेते हैं, छोटा है तो थोड़ा बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, या पतला दिखाने की कोशिश करते हैं, प्यारा सा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी हम डमी पर भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको भी एक थोड़ी सी ना अच्छा सा इफेक्ट जो है ना वो ह्यूमन लाइक इफेक्ट दे सकें। इस तरह से नोज़ के इर्द गिर्द मैंने इसकी अच्छे से ब्लेंडिंग कर दी है, ये वाला शेड ले रही हूँ और फिर से इसको उठा के फिर से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। देखो ना, थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है कि ये थोड़ा नेचुरल सा और ह्यूमन लाइक लग रहा है। अब मैं फिंगर की मदद से यही वाला शेड ले रही हूँ जो कि मैंने आँख पर लगाया ओपेरा कॉस्मेटिक्स का, बहुत ज़बरदस्त सा ये शिमर शेड, और इसको अपनी आँख पर लगा रही हूँ, बहुत ही हसीन लग रहा है। देखो इसमें से कितनी प्यारी रिफ्लेक्शन आ रही है पिंकिश एंड पर्पल शेड की। अच्छा, यहाँ पर भी मैंने अपनी डेमी के चिक्स पर भी लगा रही हूँ इसको और ब्लेंड कर रही हूँ। इसके बाद मैं इस पर थोड़ा सा ब्लश लगा के फिर ब्लेंड करूँगी, तो ये बहुत ही अच्छे से जो है ना वो हमारी जो ब्लश भी लग जाएगा। तो यहाँ तक आपको आई होप सो कि ट्यूटोरियल समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस के लिए आप इस तरह की जो है ना डमी ज़रूर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो आपका जो मेकअप है ना वो काफ़ी दिनों में, विद इन डेज जो है ना इन्हेंस हो जाएगा। जो भी लुक आप देखते हो ना उसको इस तरह से प्रैक्टिस कर लिया करो, तो आपको यह है कि एक बार हाथ से गुजर जाती है लुक तो आपको काफ़ी समझ आ जाती है कि किस तरह से जो है ना आपने मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, और किस तरह से आपने एक कम्प्लीट जो है ना वो लुक देनी है। फाइनल टच अब दे रही हूँ। अब मैं लाइनर जो है ना, क्योंकि मेरी आईलैशेस सूख चुकी थी, तो लाइनर को जो है मैं थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ अपनी जो है आईलैशेस के साथ साथ। इससे क्या है कि इससे हमारी जो लुक है ना वो ज़्यादा नीट एंड क्लीन नज़र आती है। इस तरह से अब मैंने थोड़ा सा इसका विंग भी निकाल लिया है, और इसको फिर विंग को अच्छे से सेट भी कर लूँगी, और लाइट सा बिल्कुल थोड़ा सा विंग निकाला है, और मैंने बताया था मैं थोड़ा सा विंग निकालते निकालते थोड़ा सा मुझे विंग लाइनर ही बनता होता है। तो बस ये दूसरी आंख पर भी ना मैं इस तरह से विंग क्रिएट करूँगी और इक्वल कर लूँगी अपनी दोनों आइज़ की लुक्स को। तो ये मेरा आज का कंप्लीट ट्यूटोरियल है अबाउट डमी मेकअप। अगर आपको ये लुक पसंद आई है, ये आइडियाज़ पसंद आया है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना मैं आपको उसके साथ चंकी ग्लिटर्स एंड बहुत सारे ग्लिटर्स की वीडियो शेयर करूँगी, डमी पर भी सिखाऊँगी जैसे मैंने पहले भी बताया है, और अपनी आईज़ पे भी बहुत सारी लुक्स इंशाल्लाह ताला क्रिएट करने वाली हूँ, और डमी पर भी किस तरह से ब्राइट लुक बनानी है वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस आप ये करना कि प्रैक्टिस करते रहना और मुझे बताना कि आपको मेरा जो काम है वो कैसा लग रहा है इंशाल्लाह। और भी बहुत सारी मज़ीद लुक्स के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होंगी। और ये है जी मेरी फाइनल लुक, तो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।